Hello, Assalamualaikum. I am OS Karni and this is my YouTube channel Free Learning for Learners. Okay, I decided to make a YouTube series of Indo-Pak History 2, which is the subject in PCS, Sindh Public Service Commission. Now the timetable has been announced by the Sindh Public Service Commission and जो पेपर हैं वो अगले महीने में होने जा रहे हैं. तो अब हम मुगलों का दौर स्टडी करेंगे. मुगलों के दौर में अकबर का नाम बहुत काबिल तारीफ है, जिसे जलालुद्दीन अकबर के नाम से नवाजा गया. तो आज हम अकबर का दौर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद बैराम खान, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था फॉर द एक्सपेंशन एंड द सक्सेस ऑफ मुगल एम्पायर इन द इंडू पाक सब कॉन्टिनेंट. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जंप इनटू द ग्राउंड. ओके, तो अकबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. अकबर द ग्रेट वाज बोर्न इन 1556 एंड डाइड इन 1605. अकबर वाज एट कलानौर टाउन इन द पंजाब व्हेन हिज फादर डाइड. सो द गार्डियन ऑफ अकबर बिकेम द बैराम खान, हु प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट्स to Akbar in the most critical period of his early life. So at the time of his accession, Akbar was only 13 years old and Bairam Khan was appointed as his regent. 13 saal ke ladke ko kya apni hosh nahi hogi, wo politics ya itna bada Mughal empire kaise chalayega. Aur Humayun ne 1555 mein अपनी छीनी हुई सल्तनत वापस ली थी सूरी डेंसिटी से. तो शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को हराया था, तो एक साल के अंदर हुमायूं कुछ ख़ास काम नहीं कर पाए थे. इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई जो वी ए स्मिथ ने कही थी. वी ए स्मिथ ने कहा था, ही कुड नॉट पजेस any kingdom at the time of his accession. It's pointed towards the Akbar. Okay, Bairam Khan पैदा हुए 1501 में और 1561 में वो फौत हो गए, जिन्हें मारने वाला अकबर का बेटा, जिनको मारने वाला अकबर का बेटा था. और अकबर का बेटा जहांगीर था, जिन्होंने बैराम खान को मारा था. तो चलिए अब आगे चलते हैं. अच्छा जी, अर्ली करियर ऑफ बैराम खान. बैराम खान कौन था? बैराम खान एक तुर्क मैन था, शिया फैत था उसका. एक इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट बताएं कि अकबर का जो दरबार था उसके अंदर सारे जो ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स वर सुन्नी फैत, बट बैराम खान इज़ द ओनली बैराम खान वाज द ओनली फैक्टर हु वाज फ्रॉम द शिया फैत, यानी बेसिकली फ्रॉम तुर्कमेन. इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर. अगर बैराम खान ना होता तो मुगलिया सल्तनत कभी भी 350 साल हुकूमत ना करती. द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर इज टोटली डिपेंडेड ऑन द बैराम खान. ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मुगल आर्मी एंड आल्सो अ पावरफुल स्टेट्समैन, रीजेंट एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड अकबर. और आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बैराम खान हुमायूं के दौर से हुमायूं के बहुत करीब था. जब वो हुमायूं के बहुत करीब था तो उन्हें कंधार का गवर्नर भी बनाया गया था. ठीक है, तो हुमायूं
दौर से ही बैराम खान का असर रसूख मुगलिया सल्तनत पे बहुत था। ठीक है, एक दफ़ा हुमायूं ने अकबर को कहा था, हुमायूं ने, अल्लाह आपका भला करे, बैराम खान के बारे में कहा था कि मेरे पास कोई चिराग नहीं है जैसा मेरी सल्तनत में ये चिराग है। अच्छा, हुमायूं ने इन्हें खाने खाना विच मीन्स किंग ऑफ किंग्स का खिताब भी दिया। बैराम खान ओरिजिनली कॉल्ड बैराम, ठीक है, बैराम और पेग, पर बाद में इनको ही लेटर बिकेम ऑनर एस खा और खान, मतलब बाद में इनका नाम खान पड़ा, पहले सिर्फ इनका नाम बैराम और पेग था। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ सर्विसेज, मुगलों की सर्विसेज बैराम खान ने कब से कब तक दी, 1517 से लेके 1561 तक। कमांडर ऑफ मुगल आर्मी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, सीज ऑफ संभल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट रोल इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। गवर्नर ऑफ कंधार, आल्सो रिवार्डेड विद जागीर ऑफ सरहंद। ठीक है, ये वही बात जो मैंने आपको बता रहा था कि हुमायूं ने खुश होके बैराम खान से उन्हें कंधार का गवर्नर भी बनाया था, और उसके बाद उनको तोहफे में सरहंद की जागीर दे दी थी। अब रीजेंसी ऑफ बैराम फ्रॉम 4 साल चली थी, 1556 से 1560 तक। इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, अब बैराम खान एक वो फैक्टर था जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ था आफ्टर द क्रश्ड द फोर्सेज ऑफ हेमू बैकल। क्रश द हेमू, हिंदू मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह, आदिल शाह फ्रॉम ईरान, ओके, पर्शिया। हेमू ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा एंड असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। हेमू हेमू वॉज द अपोनेंट ऑफ मुगल्स इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। क्रश सुर क्लेमेट्स सच एज सिकंदर सुर। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो बैराम था उसने, जो मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन थे वो सुर थे, क्योंकि वो अपनी दोबारा सल्तनत के ऊपर कब्जा चाहते थे जो कि हुमायूं ने उसे छीन ली थी। तो वो इस इंतज़ार में बैठे थे और बगावत के झंडे बुलंद कर चुके थे, मगर बैराम खान का एक इम्पॉर्टेंट रोल था जिन्होंने उन सुरों को शिकस्त दी और मुगलों के लिए सारे रास्ते के कांटे उखाड़ फेंके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वी ए स्मिथ, ही कुड नॉट टू बी सेड टू पॉसेस एनी किंगडम एट द टाइम ऑफ अकबर्स असेशन। ये वही बात जो मैंने आपको पीछे कही थी कि वी ए स्मिथ एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने कहा था कि जब अकबर ने दरबार संभाला तो उनके पास कोई किंगडम नहीं था। ठीक है, काजेज बिहाइंड द फॉल ऑफ बैराम खान। अब बैराम खान इतना इम्पोर्टेंट था, उसका असर रसूख दरबार के अंदर, सल्तनत के अंदर इतना फैलता जा रहा था, फिर आखिर कैसे और किस तरह एकदम बैराम खान का फॉल डाउन हुआ, तो ये काजेज बिहाइंड द फॉल ऑफ बैराम खान। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर ऑफ जेलसली बाई सुन्नी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अकबर का कोर्ट था उसके अंदर मोस्टली द मेंबर्स वर सुन्नी, सो वो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे कि एक शिया फैत का इंसान उनके ऊपर हुक्म चलाए। ठीक है, तो द फैक्टर ऑफ सुन्नी एंड शिया, मतलब जो सुन्नी मेंबर्स थे वो अकबर के साथ जेलसली करते थे कि ये शिया होके हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला रहा है। उसके बाद हार्टी बिहेवियर ऑफ बैराम खान, हाँ बिल्कुल, बहुत से मौक़ों के ऊपर बैराम खान का हार्टी बिहेवियर अकबर को ख़ुद पसंद नहीं आया था। ठीक है ना, तो बैराम खान के पास इतनी पावर आ चुकी थी तो थोड़ा अकड़पन और मगरूरपना बैराम खान की नस नस में भर चुका था। अच्छा भाई, उसके बाद फेवर्ड हिज को रिलीजनेट सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ शेख गुदाई। ठीक है, अब अकबर, बैराम खान ने क्या शुरू किया, बैराम खान ने जो उनके हम मज़हब थे, मतलब हम दीन जैसे शिया फैत के थे, उनको बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया ताकि वो पूरी मुगलिया सल्तनत के ऊपर अपना
असर रसूख चला सके ताकि कोई भी उनके फैसले के अंदर रुकावट ना बने। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने शेख गुदवाई को अशिया टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफ सदरुस सुदर, मतलब उन्होंने अपॉइंट कर दिया था शेख गुदाई को सदरुस सदर। सदरुस सदर क्या करता था? हेड ऑफ ऑल द लॉ ऑफिसर्स एंड कंट्रोलर ऑफ ग्रांट ऑफ लैंड। ठीक है ना, अब देखें सारा रेवेन्यू लॉ ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ ग्रांट लैंड, मतलब रेवेन्यू के ऊपर और कानून के ऊपर उन्होंने अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर ली थी। इसके ऊपर वॉल्से में कहते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ अशिया टू दिस ऑफिस रेज अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स एंड कंट्रीब्यूटेड मोर देन एनी अदर मायर ऑफ बैराम खान टू हिज डाउनफॉल। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बैराम खान के डाउनफॉल के लिए ये ही एक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था जिसने मुगलिया सल्तनत के सुन्नी जो लोग थे उनके अंदर एहतजाज का स्टॉर्म पैदा कर दिया। ठीक है, तो वो सारे ही बैराम खान के खिलाफ हो गए। अच्छा भाई, उसके बाद काजिज, हाँ ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ तर्दी बेग द गवर्नर ऑफ दिल्ली, मतलब तर्दी बेग जो थे उनको फांसी दे दी थी जिसकी वजह से वो गवर्नर ऑफ दिल्ली थे। इस वजह से बैराम खान बहुत अनपॉपुलर हो गए थे अपनी मुगलिया सल्तनत में। उसके बाद फेवर टू हिज ओन सर्वेंट और रॉयल सर्वेंट, वो उनके उन्होंने जो खुद सर्वेंट अपने खादिम रखे हुए थे उनको तरजीह देते थे जो रॉयल सर्वेंट थे। इवन एक दफ़ा उन्होंने जो बादशाह का हाथी का ड्राइवर था उसे ही मार दिया था, मतलब इतने जालिम हो गए थे, इतने उनके अंदर अक्कड़पन और मगरूरपना उनके आँखों पे चढ़ पड़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर अकबर डिज़ायर्स टू अज्यूम पावर एंड डिसलाइक बैराम खान बिहेवियर। अब अकबर छोटे होते से देखते आ रहे थे अपनी 13 साल की उम्र से कि हो क्या रहा है, बैराम खान का एटीट्यूड है क्या। असल में अकबर को खुद बैराम खान का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था, और फिर सोने पे सुहागा करने वाली अकबर की चहेती माँ, फॉस्टर मदर ऑफ अकबर, पॉइजन अकबर एयर्स अगेंस्ट बैराम खान। वो चाहती थी कि बैराम खान एक वाहिद ऐसा फैक्टर है जो उनका असर रसूख दरबार में ख़त्म कर सकता है या उनके लिए मसला बन सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो उन्होंने मौके को देखते हुए मुगलों की सल्तनत के अंदर औरतों का बहुत अहम रोल रहा है बिहाइंड द सीन, और एक अरसा चला था पेटीकोट गवर्नमेंट जो 1560 और 1562 के बाद। वो यही यही जो अकबर की फॉस्टर मदर थी बैराम खान को क्या कहते हैं हटाने के बाद उनका मतलब 2 साल का अरसा चला था। ठीक है, तो वो खुद पर्दे के पीछे रह के मुगलिया सल्तनत को संभालना चाहती थी। इसकी वजह से मौके से पूरा फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अकबर के कान भरे और बैराम खान को अपने रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की, और वो उसमें कामयाबी हो गई थी। अब अकबर ने सोचा कि अब बैराम खान को किस तरह रास्ते से हटाया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने बैराम खान को बुलाया एंड अकबर सेंड बैराम खान टू मक्का के आप मक्का चले जाएं और हज करें वहाँ जाके। अब बैराम खान मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट थे मुगलिया सल्तनत के, उन्होंने लबैक कहा और वो मक्का की तरफ चले गए। मगर रास्ते में ही रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट, बट उन्होंने रास्ते में ही मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी जिसमें उनको मुगलिया सल्तनत की आर्मी के साथ लड़ना पड़ा, और उसके बाद वो अकबर के दरबार में पेश किए गए। मगर अकबर ने उन्हें फिर माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद उन्हें फिर कहा कि आप दोबारा हज करने जाएं। जब वो रास्ते में थे पतन के मकाम में, गुजरात के अंदर पतन के मकाम में जब वो पहुंचे तो एक अफगान ने उन्हें वहां पे कत्ल कर दिया। तो ये था बैराम खान। बैराम खान एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था मुगलिया सल्तनत में। अगर बैराम खान ना होता तो अकबर कभी भी 50 साला दौर, अकबर का 50 साला दौर ना होता और अकबर 50 साल हुकूमत ना करते, क्योंकि शुरू के अंदर जितने भी बगावतें उठी थी जैसे सुर डेंसिटी थी, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो वो सारी चीज़ें, सबसे बड़ा मसला हिमोबेकल था। तो हिमोबेकल ने चाहा था कि हम
मुगलिया सल्तनत पर कब्ज़ा कर लें, पर ये बैराम खान था। बैराम खान ने सब अपनी जान पे खेलते हुए मुगलिया सल्तनत के ऊपर आँच भी ना आने दी, मगर ये देख लें कि मुगल दौर के अंदर औरतों ने, ख़ास तौर पे अकबर की फॉस्टर मदर ने, किस तरह बैराम खान को अपने रास्ते से साफ़ किया और ख़ुद 2 साल मुगलिया सल्तनत के ऊपर राज किया। सो व्यूवर्स, इट्स इट फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू हिट द बेल आइकन। ओके, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।